अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आजकल हर 10 में से 8 स्मार्टफोन यूजर्स टिकटॉक यूज़ करते हैं, एंड टिकटॉक यूज़ करते हुए आपने ये प्रोमोट वाला ऑप्शन ज़रूर देखा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह इस प्रोमोट वाले ऑप्शन को इस्तेमाल करके टिकटॉक से बेशुमार पैसा कमा सकते हैं, चाहे हमें अपने टिकटॉक अकाउंट में फॉलोवर्स, लाइक, व्यूज या प्रोफाइल विजिटर्स चाहिए हो, चाहे हमारा कोई बिजनेस हो, कोई प्रोडक्ट हो, वो हम कैसे टिकटॉक पे सेल कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर हमारा कोई टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप हो, उसमें हम ऑडियंस कैसे हासिल कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हम कैसे फॉलोवर्स हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये प्रोमोट वाला ऑप्शन हमें कहाँ पर मिलेगा। तो जब भी हम टिकटॉक ओपन करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस, यानी जो मेन पेज है टिकटॉक का, वो हमें शो होता है। यहाँ पे आने के बाद हमने बॉटम राइट कॉर्नर में हमें प्रोफाइल का ऑप्शन शो होगा, हमने इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद आपका प्रोफाइल आपको शो हो जाएगा। टॉप राइट कॉर्नर में 3 लाइन्स का एक ऑप्शन है, इन 3 लाइन्स पर आपने क्लिक कर लेना है। एंड जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है टिकटॉक स्टूडियो, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद अगेन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है हमें जो शो होता है मोर टूल्स के नाम से, यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोमोट का, हमने इस प्रोमोट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हम कोशिश करते हैं कि इस इंटरफेस को हम कैसे यूज करेंगे, व्यूज, फॉलोवर्स, विजिटर्स, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कैसे हम इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको समझते हैं। 3 ऑप्शंस हमें शो होते हैं, क्रिएट, डैशबोर्ड, माइन। क्रिएट के ऑप्शन में हमें बूस्ट अकाउंट, गेट सेल्स एंड गेट लीड्स के 3 ऑप्शंस शो होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपना जो टिकटॉक अकाउंट है वो बूस्ट करें, व्यूज हासिल करें, या फॉलोअर्स हासिल करें, या प्रोफाइल व्यूज हासिल करें, वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं ये जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको व्यूज मिले, आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं आपको फॉलोअर्स मिले, आप दूसरे ऑप्शन को चूज़ करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रोफाइल विजिटर्स मिले, आप तीसरे ऑप्शन को चूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ किया हुआ है। अब इसको चूज़ करने के बाद आप जिस वीडियो पर व्यूज हासिल करना चाहते हैं वो वीडियो आपने सेलेक्ट करनी है। जैसे कि यहाँ पे मुझे सेलेक्ट योर कंटेंट का ऑप्शन शो हो रहा है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी जो सारी वीडियोस है वो सामने आ जाएंगी। अब इन वीडियोस में से आप जिस वीडियो को प्रमोट करना चाहते हैं, उस पर व्यूज, उस पर कमेंट्स, उस पर लाइक्स हासिल करना चाहते हैं, उसके सामने प्रोमोट का ऑप्शन लिखा होगा, आपने प्रोमोट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैं इस सेकेंड वीडियो को प्रमोट करना चाहता हूँ, मैंने प्रोमोट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लिया एंड ये वीडियो मेरी यहाँ पर अपेयर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको बूस्ट कैसे करेंगे वो हम आगे जाके जानते हैं। अब समझते हैं दूसरे ऑप्शन को, जो कि यहाँ पे हमें गेट सेल्स का ऑप्शन शो हो रहा है। गेट सेल्स के ऑप्शन में हम ये कर सकते हैं, हमारा कोई बिजनेस है, हमारा कोई प्रोडक्ट है, वो हम सेल करना चाहते हैं, हमारा कोई ऑनलाइन स्टोर है, वो हम चलाना चाहते हैं, वहाँ से हम चाहते हैं कि कस्टमर्स हमें मिले, वो हमसे परचेज करें, तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। सिंपली हमने करना क्या है, अपने स्टोर पर जाना है, वहाँ से लिंक कॉपी करना है, चाहे वो स्टोर का हो या कोई प्रोडक्ट का हो, वो कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब उसके बाद आप क्या चाहते हैं कि आपसे लोग मालूमात करें उस चीज़ के बारे में या उसको परचेज करें, वो सब हम यहाँ पे हमें ऑप्शंस शो होते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमने प्रमोशन किस तरह से करनी है। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि मुझे व्यूज मिले, तो मैंने फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जिसको मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। ये करने के बाद यहाँ पर हमें आ जाना है, चूज़ अ प्रमोशन पैक। यहाँ पे डिफरेंट ऑफर्स हैं, पैकेजेस हैं। आप जो अगर चाहते हैं कि 4,100 व्यूज़ आपको मिले, वो आपको 170 रुपये में मिलेंगे। 4,600 प्लस व्यूज़ आपको मिले, वो 190 रुपये में मिलेंगे। 12,400 व्यूज़ चाहिए तो वो 510 रुपये में मिलेंगे आपको। अगर आपको इनमें से कोई ऑफर पसंद नहीं आता तो आप अपनी मर्जी का भी एक पैकेज बना सकते हैं कस्टम प्रमोशन पर क्लिक करके। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। ऊपर सब कुछ सेम है, चेंजेस हमने नीचे करनी है। अब यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है डिफाइन योर ऑडियंस, कि आपको किस तरह की ऑडियंस चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि टिकटॉक आपके लिए खुद से चूज़ करे, तो आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। अगर आप खुद से चूज़ करना चाहते हैं तो आप कस्टम पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कितना पैसा दे के ये बूस्ट या प्रमोशन करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये 190 रुपये से लेके हमारे पास कोई 2,80,000 तक की हम प्रमोशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ड्यूरेशन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने दिन तक हमारी वीडियो प्रमोट होती रहे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो आप सब यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं, वो आपने एग्री करनी है, इसको आप एग्री कर लें। एंड यहाँ पर आने के बाद आपने रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक
कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद हमें एक ऑप्शन शो होता है कंटिन्यू का, हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे एड क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आने के बाद हमने अपना एटीएम कार्ड उठाना है एंड वीज़ा कार्ड होना चाहिए आपके पास, और यहाँ पे हमने 16 डिजिट का जो है कोड यानी जो नंबर होता है कार्ड का वो पुट कर लेना है एंड सेव पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक कर लेते हैं, टिकटॉक हमारी जो रिव्यू है रिक्वेस्ट है उसको रिव्यू करेगा एंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद आपका जो बूस्ट है वो बूस्ट हो चुका होगा। अब हम ये सब चेक कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें।